बसमरिम डर वीवर्स अलकम इनशा इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सॉरी वी विल डिस्कस क्लासिफ़िकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये फस्ट ऑफ आल ऑन बेसिस ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मोनोमर्स डिवाइड किया गया है इनटू थ्री क्लासेस फर्स्ट क्लास जो है वो है मोनोसकेराइट नंबर सेकंड जो है वो लीगो थर्ड नंबर पे जो आता है वो है पुलिस ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, हुआ है नंबर ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर 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 जो ही वो है वो स्मॉलेस्ट या बिल्डिंग यूनिट या स्मालेस्ट यूनिट है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनता है अब ये जो है ये कितने मोनो में है कितने यूनिट्स उल्लेगो में है कितने में है? मोनोसिक्राइट की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो ट्राईवोज़ टेट्रोज, पेंटोज़ हेक्ोज़ और हेप्टोज में हुआ है ट्राईवोज़ जो है वो फर्दर मोनोसक्राइड की डिवीज़न हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसको कहते हैं अल्डोजिस और जिसमें किटोन फंक्शनल ग्रुप है उसको कहते हैं केटोजिस हालांकि उसको बाद में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इन श्राइवोज जो है ये कार्बन की नंबरिंग की बुनियाद पर मोनिक्राइट फारदर क्लासीफाई हुई है नंबर ऑफ कार्बन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ कार्बन की तादाद पे मोनोसिक्राइट की फर्दर क्लासीफिकेशन किया गया है ट्राईवोस ट्राई का मतलब है थ्री ऐसे कंपाउंड जिसमें थ्री कार्बन मौजूद हो नंबर टू टेट्रोस ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मोनोसिक्राइट जिसमें फोर कार्बन मौजूद हो पेंटा पेंटोग जिसमें पाँच कार्बन मौजूद हो फॉर एग्जांपल डबोस हेग्जोस जिसमें छः कार्बन मौजूद हो फॉर एग्जांपल ग्लोकोज हप्टोस जिसमें सात कार्बन मौजूद हो फॉर एग्जांपल ग्लूको हेगोस ग्लूको हेपटोस ग्लूको हेप्टोज ट्राईवोज जो है इसका एग्जांपल ग्लाइसरोज है ग्लाइसरोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इस वजह से ये अल्डोज है दूसरा एग्जाम्पल डी डाई हाइड्राक्सीटोन है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से डाई हाइड्रोक्सी जो है ये कीटोज है टेट्रोज है ये है इसका एग्ज़ाम्पल इोज है इरीथ्रोज में अल्डोज फंक्शनल ग्रुप है दूसरा ए रित्रोलोज है जिसमें किटोन फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से लोज है पेंटोस का जो फं एग्ज़ाम्पल है वो राइबोज है या रेबलोज है बाद में बताता हूँ इन कि राइबोज और रेबलोज में क्या फ़र्क है हेगोस का जो एग्ज़ाम्पल है वो ग्लोकोज़ और फ्रक्टोज है हेप्टोस का जो एग्ज़म्पल है वो है ग्लूको हेपटोस है अब उलीगोसिक्राइट की फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें उलीगोसिक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें मोनोसेक्राइड की दो से नौ तक यूनिट मौजूद हो जब दो से लेकर नौ तक मोनोसेक्राइड से जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं इसको कहते हैं उलीगोसेकेराइड इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है एक है डाइसेक्राइड डई का मतलब टू ऐसे सेक्राइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें दो यूनिट्स ऑफ मोनोमर मौजूद हो फॉर एग्जांपल माल्टोज आर सक्रोज फर्दर इसको भी इन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि माल्टोज कौन से मोनोमर से बनता है सक्रोज कौन से बनाई है ट्राई सिक्राइड ट्राई जिसमें तीन मोनोमर मौजूद हो इसका एग्जाम्पल है रिफिनोस टेट्रासेराइड जिसमें फोर मौजूद हो एग्जाम्पल है स्क्रोडोस स्क्रोडोस में फोर मोनोसेकेराइड मौजूद है, है जो लास्ट में है पुलिसिकराइड पुली का मतलब है मेनी। पुली का मतलब है मेनी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें नौ से आनवर्ट नौ से ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलकर बनाता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स पुलिसकेराइड कहलाता है फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टार्च सिलोस काइटीन डेक्सट्रीन अब इसको एक एक इनशा एक एक करके हम अगले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे स्टार जो है इसकी फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है एक है एमाइलोपेक्टिन और एक है एमाइलोस ये सारा लेक्चर जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है इंशाल्लाह अगले लेक्चरों में हम मोनोसे कि रेड और फिर इसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन जो है इन इसको हम एक एक कर डिस्कस करेंगे इनशल थैंक यू